टीम ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा वीडियो होगा 4.1। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या थे? तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में आप एक का नाम मैं शुरू से याद करा रहा हूँ, बॉस का, ठीक है ना, तो इनका नाम हमेशा याद रखना। तो इन्होंने क्या बोला था, जो फुल नेम लिख देता हूँ, मोरे रॉस, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कम्युनिटी इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन करना, कम्युनिटी का इंटीग्रेशन का मतलब होता है बहुत सारे रिसोर्सों को कन्वर्स करना, इंटीग्रेट करना आपस में। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बहुत छोटा वर्ड अभी लग रहा है, लेकिन इसका मतलब बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन करना क्या होता है। फिर क्या हुआ, एक है हमारे मैकमिलन। मैकमिलन के अकॉर्डिंग कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो है कि फाइंड अ वेज, ऐसे रास्ते को ढूंढना जिससे कम्युनिटी का क्या हो, इन्वायरमेंट में इम्प्रूवमेंट हो। तो उनकी लैंग्वेज नहीं लिखनी है, उनका मेन कीवर्ड उठाना है। तो उनके कीवर्ड क्या कहते हैं, उन्होंने बोला कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है फाइंड अ वे, इसे अपनी लैंग्वेज में लिखना, टू इम्प्रूव द इन्वायरमेंट ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, तो कम्युनिटी का जो इन्वायरमेंट है उसको मॉडिफाई करना, ये मैकमिलन मानते थे। फिर एक मर्फी का एग्जांपल दे देंगे कि मर्फी जो थे वो क्या कहते थे। मर्फी के अकॉर्डिंग जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है सॉल्विंग द कम्युनिटी प्रॉब्लम। ठीक है ना, सॉल्विंग द कम्युनिटी प्रॉब्लम। तो मॉर्फी के अकॉर्डिंग के कम्युनिटी द प्रॉब्लम। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे जो इनके मेन ऑब्जेक्टिव थे वो पढ़ेंगे हम किसके, मैकनेल के। तो इन्होंने क्या ऑब्जेक्टिव, एन ए, ठीक है, मैकनेल ने क्या क्या ऑब्जेक्टिव दिए थे। तो पहला इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का पहला ऑब्जेक्ट होता है एनालाइज द अवेलेबल रिसोर्सेस। ठीक है, अवेलेबल रिसोर्सेस को एनालाइज करना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपनी मीट डिसाइड करनी है। दूसरा इन्होंने बोला था कि गेनिंग फैक्ट अबाउट ह्यूमन नीड, गेनिंग फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन नीड, मतलब एक कम्युनिटी के अंदर जो जो लोग हैं उनकी क्या नीड है उसको फाइंड करना, ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव होता था इनका कि सिंथेसिस कोरिलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ द फैक्ट। ठीक है, सपोज अब इसको थोड़ा हम समझते हैं कि मान लो ये एक कम्युनिटी है, ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग हैं। ठीक है, हमने क्या करा, सबसे पहले इनकी नीड पता कर ली। फिर जब हमने नीड पता करी तो हमें पता चला कि किस किस नीड में कोरिलेशन है, मतलब कोरिलेशन का मतलब होता है स्टैट में ये एक्स है, ये वाई वेरिएबल है। ठीक है, इस एक्स वेरिएबल से वाई कितना कोरिलेटेड, मतलब एक्स में चेंज कर रहा हूँ तो वाई में कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, तो कोई ऐसी डिमांड है, मान लो कि वहाँ पे पिसी कल्चर करना है, मतलब एक्वा कल्चर, ये एक पॉन्ड बना दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसमें फिशेज होंगी। ठीक है, तो लोगों को क्या होगा कि जो एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, जो वेस्ट लैंड है उसका हम यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि तो खोद दो उसमें और पानी भर के उसमें फिशेज होती हैं। फिश से क्या होगा, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी वहाँ की। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ साथ जहाँ पे जो लोग होंगे उनको क्या बोले मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, तो हेल्थ की भी इंप्रूवमेंट होगी। तो कोरिलेट कर रहे हैं एक चीज को दूसरी चीज से। ठीक है ना, तो ये कोरिलेशन कुछ फार्मूले होते हैं सर्टेन। ठीक है, सोशल वर्क रिसर्च में हम कोरिलेशन बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, तो वहां पे मैं और अच्छी तरह से बताऊंगा। अभी खाली देखो कि ऑब्जेक्टिव क्या है, कोरिलेट करना, सिंथेसिस करना, टेस्टिंग ऑफ द फैक्ट, जो हमारे फैक्ट आए कि ये फैक्ट होने से ये होता है, और जो सबसे बेस्ट अवेलेबल होगा उसको हम निकालेंगे। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल वहां पुट कर देना, अच्छे नंबर मिल जाएंगे। और क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं कि रिलेटिंग फैक्ट अबाउट नीड एंड अवेलेबल सर्विस, जो फैक्ट आए हैं, ठीक है, उसको रिलेट करना। ठीक है, अवेलेबल सर्विस जो अभी जो सर्विस है वहाँ पे एट प्रेजेंट, ठीक है, और किसकी जरूरत है उससे रिलेट करना। और क्या करना, फोस्टरिंग द इंटरेक्शन
of attitude and representation, fostering the interaction of attitudes and representative viewpoint. ठीक है ना, मतलब इसका सिंपल सा मतलब है, इस ग्रुप में इतने सारे लोग हैं, इनके जो इंटरेक्शन है उसको और मजबूती प्रदान करना, उनका एटीट्यूड को समझना और उनके व्यू पॉइंट मतलब पूरी कम्युनिटी क्या चाहती है इसको भी एनालाइज करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। जब तक उनके व्यू पॉइंट नहीं मानेंगे तब तक वहाँ पे हम कुछ ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और क्या करना, स्टिमुलेटिंग सिटीजन, तो बहुत सारे हैं जो अच्छे लगे लिख लेना, स्टिमुलेटिंग द सिटीजन फॉर इंटरेस्ट इन सोशल प्रॉब्लम। ठीक है, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना, स्टिमुलेट करना उन्हें बार बार कि क्या क्या सोशल प्रॉब्लम होती हैं, क्योंकि जब प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली वो दूसरी साइड उसका सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे, आज नहीं तो कल सोचेंगे। तो प्रॉब्लम पहले उन्हें बताओ कि ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, फिर उसकी और क्या कहते हैं, डिटरमाइनिंग द प्रायोरिटी, ठीक है, क्या क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए, ठीक है, और क्या, आइडेंटिफाई द गैप, अब सुन लो इसमें मैं लिख नहीं रहा हूँ, आइडेंटिफाई द गैप भी होता है, ठीक है, इन्हांसिंग कम्युनिटी अंडरस्टैंडिंग थ्रू एजुकेशन, ठीक है, मोबिलाइजिंग सपोर्ट इन मोरल एज वेल एज फाइनेंशियल टर्म, तो उनके मॉरल टर्म और फाइनेंशियल टर्म को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव किसने दिए थे, मैक नील ने, तो ये ऑब्जेक्टिव लिख देंगे तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स में, तो यहाँ से शुरुआत करके यहाँ पे खत्म कर दोगे, 1.5 या 2 पेज मिलेंगे, इतने में फिनिश हो जाएगा, जितने इनके नाम लिखोगे उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे। ठीक है, नहीं तो अपनी कहानी तो तुम बनाना है, उस्ताज हो ही बना ही दोगे वहाँ पे। ठीक है, तो अब हम इसके बाद पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में। तो प्रिंसिपल इन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, तो हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अप्रोच आपकी क्या होगी वो डिसाइड करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जॉन को याद रखो यहाँ पे, जॉन्स, ठीक है, और डी मार्के, ठीक है, DEMARCHE, इन्होंने जो प्रिंसिपल पढ़े थे वही हम पढ़ेंगे। इनके प्रिंसिपल पढ़ने से हमें ये फ़ायदा है कि जो इनकी जो प्रिंसिपल इन्होंने दिए थे उससे रिलेटेड ही ये UPSC क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, पहला इनका जो प्रिंसिपल था वो उन्होंने बोला था कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इज ए मीन एंड नॉट एन एंड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो हमारी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अप्रोचेस है, ठीक है, वो एक मीन है, मतलब साधन है, ठीक है ना, वो फाइनल आउटकम नहीं है, वो उसका रिजल्ट नहीं है। तो फाइनल आउटकम क्या होगा, तो फाइनल आउटकम उन्होंने बताया कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, और पर्सनल है मतलब जो लोग हैं वहाँ पे और प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, तो ये जो है नॉलेज एंड ग्रोथ ऑफ पीपल आर द एंड। अब समझ में आ गया, मतलब फाइनल रिजल्ट क्या है कि लोगों की नॉलेज बढ़े, ग्रोथ हो, हम ऐसा प्रोग्राम डेवलप करें जिससे कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो, पर्सन ऑर्गेनाइजेशन, तो हम कहेंगे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट ए मीन, इट इज ए मीन बट नॉट एन एंड। ठीक है ना, मतलब एक वो तरीका है उसको पाने का साधन है लेकिन अंत नहीं, अंत क्या है, अंत यह है कि जब तो लोगों का डेवलपमेंट हो जाए तो टाटा बाय बाय। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव इन्होंने बनाया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बनता है कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म ले देते हैं CO, ठीक है, तो जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें कम्युनिटी जो है हमारी, ठीक है ना, जो कम्युनिटी है वो एज ए इंडिविजुअल ट्रीट करनी है हमें। ठीक है, मतलब कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में एक इंडिविजुअल है, ठीक है ना, अब अपने आप में एक इंडिविजुअल है तो इसकी सर्टेन क्या है, इसकी सर्टेन रिक्वायरमेंट है, सर्टेन इसकी नेसेसिटी है, ठीक है, तो उनकी हम स्टडी करेंगे। तो इसमें हमें बोलना है कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, देखो सोशल केस वर्क में भी आया था, यहाँ पे भी आ रहा है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, अब वहाँ पे ये मत कंफ्यूज हो जाना कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों पूछ लिया,
क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया, मिसप्रिंट नहीं हुआ है, वो कहना चाह रहा है कि कम्युनिटी को एज ए इंडिविजुअल मानना है, कि ये एक कम्युनिटी है, इसको एक इंसान मानो, उसके हिसाब से इसमें सारी अप्रोच निकालना, इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ कम्युनिटी, तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल होता है ये। तीसरा प्रिंसिपल है कि जब कम्युनिटी जब इंडिविजुअल है तो लाइक एंड इंडिविजुअल, ठीक है, कम्युनिटी आल्सो हैव राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, मतलब वो खुद ही डिसाइड करे उनको क्या करना चाहिए। जैसे इंडिविजुअल है तुम हो, ठीक है, अब तुम खुद डिसाइड करते हो कि तुमने सोशल वर्क ऑप्शनल ले लिया, ठीक है, तो किसी ने डिसाइड करा कि मैंने ज्योग्राफी ले लिया, किसी ने साइकोलॉजी ले लिया, किसी ने एंथ्रोपोलॉजी ले लिया, तो आप इंडिविजुअल खुद डिसाइड कर रहे हो, ठीक है, ऐसी कम्युनिटी ऐसे इंडिविजुअल है वो भी खुद डिसाइड करते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे क्या है, डेमोक्रेटिक वैल्यू आ रही, नहीं आ रही, अब मैं अप्रोच डालना सिखा रहा हूँ। अब देखो वहाँ पे क्वेश्चन आएगा, डिफाइन द डेमोक्रेटिक वैल्यू इन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे ये भी आप लिखोगे, ठीक है। चौथा प्रिंसिपल क्या होता है कि सोशल नीड इज द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सोशल नीड इज द बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक सोशल जो नीड है, जरूरत है, ठीक है, वो बेस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, अगर नीड ही पैदा नहीं होगी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि लोगों को नीड के बारे में बताओ तभी उनको सॉल्यूशन का पता चलेगा, तो नीड जो है वो बेसिक पिलर है उसका, ठीक है। अगला प्रिंसिपल क्या है, अगला प्रिंसिपल कहता है कि कम्युनिटी वेलफेयर रैदर देन एजेंसी सेल्फ इंटरेस्ट शुड बी फर्स्ट कंसिडरेशन, तो इन्होंने बोला कि जो कम्युनिटी है उसका वेलफेयर, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए रैदर देन इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट, ठीक है ना, किसी भी इंस्टीट्यूशन जो है कम्युनिटी से बड़ा नहीं है, मेन हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि कम्युनिटी का वेलफेयर करना है। कभी कभी देखो जब हम इसमें अप्रोच मारते हैं तो जो सोशल वर्कर जो होता है इंस्टीट्यूशन से नेगोशिएशन करता है, तो कभी कभी इंटरेस्ट के जो इंस्टीट्यूट के सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है, वो कन्फ्लिक्ट करने लग जाते हैं, तो उस समय हमें इंस्टीट्यूट के बारे में सोचना नहीं है, वो जाए भाड़ में, हमें मतलब है हमारी कम्युनिटी का वेलफेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर हमारे सारी अप्रोच कम्युनिटी वेलफेयर पे लग रही है तो हम यहीं पे स्टे रहेंगे कि हम सही हैं, ठीक है, बाकी जो इंस्टीट्यूशन है सरकार चेंज करे, नहीं तो ऐसी पॉलिसी लाए जो कम्युनिटी वेलफेयर के लिए काम करे, ठीक है ना, तो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है यहाँ पे। और अगला प्रिंसिपल क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं, अगला प्रिंसिपल है उसका कि कोऑर्डिनेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, तो कोऑर्डिनेशन जो है बेसिक प्रिंसिपल है कि कोऑर्डिनेशन के बिना कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती है। और क्या है, डाइवर्सिटी इन प्रोग्राम शुड बी रेस्पेक्टेड, जितनी ज़्यादा प्रोग्राम में डाइवर्सिटी होगी, ठीक है ना, तो हम कह नहीं सकते कि उतना सफल होगा, लेकिन डाइवर्सिटी जो होगी इट शुड बी, डाइवर्सिटी शुड बी रेस्पेक्टेड, ठीक है। मैंने बताया कम्युनिटी के अंदर अलग अलग क्या कहते हैं रेस, अलग अलग क्या कहते हैं कास्ट के लोग भी हो सकते हैं, ठीक है, तो सबकी रेस्पेक्ट कर रही है, क्योंकि कोई काम कोई करेगा, कोई काम कौन करेगा, ये नहीं कि खाली एक ही वर्ण के लोगों के लिए तुमने कर दिया कि ना इस यहाँ पे ये होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे मंदिर ये होना चाहिए, और मंदिर से पहले वहाँ पे क्या होना चाहिए, बेसिक नीड पूरी होनी चाहिए, भारत को महान रखना है, लेकिन ऐसा भारत महान नहीं रखना है कि जहाँ पे भुखमरी हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या रखना है हमें, डाइवर्सिटी हो गई, फिर हो गया देर देर शुड बी ब्रॉड रिप्रेजेंटेशन इन इंटर एजेंसी बॉडीज, तो इंटर एजेंसी बॉडी जो होगी उसमें ब्रॉड रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ठीक है ना, हर वर्ल्ड के लोग वहाँ पे जो है सोसाइटी के, वो सोसाइटी के नहीं वहाँ की कम्युनिटी के, वो पार्टिसिपेट करने चाहिए, तभी तो ब्रॉड कॉन्सेंसस होगा, इसको हम फिर से डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल बोल सकते हैं, तो डेमोक्रेटिक टाइप के दो आ गए, ठीक है ना, तो प्रिंसिपल को समझो और सोचो हम किस अप्रोच में डालना चाहते हैं, ठीक है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के बाद प्राइमरी मेथड सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है, प्राइमरी मेथड फिर बता दे रहा हूँ, तीन होते थे, ठीक है, प्राइमरी मेथड ऑफ सोशल वर्क, पहला जी होता था कि सोशल केस वर्क, फिर सोशल ग्रुप वर्क, फिर होता था कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो इन तीनों के जितने प्रिंसिपल हैं जो जितना उनको याद रखेगा उसका आंसर राइटिंग उतनी अच्छी होगी, फिर उसको अप्लाइड करना जब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, जब ये पूरा से कोर्स खत्म हो जाएगा पेपर उनका, तो फिर वो फटाफट बोलूंगा यहाँ पे सोशल केस वर्क लगेगा, यहाँ ग्रुप वर्क लगेगा, तो वहाँ पे ये प्रिंसिपल जिसको याद होंगे तो उसको समझ में आएगा, नहीं तो सब हवा में जाएगा वहाँ पे, तो इन प्रिंसिपल को तीनों के अच्छे अच्छे पढ़ो, प्रिंसिपल को और तीनों की क्या कहते हैं अजम्पशन को पढ़ो, क्योंकि वहाँ पे अजम्पशन करवाया कि ये हो रहा है तो क्या होगा वहाँ पे, और क्या होता है
कि बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन मस्ट बी ब्रोकन डाउन। ठीक है, तो देखो किसी भी चीज़ में मैंने बताया था कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। जब हमने इवोल्यूशन ऑफ सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन पढ़ा था तो हमने अपनी रिकमेंडेशन दी थी कि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, क्योंकि बिना कम्युनिकेशन कुछ नहीं हो सकता। तो कम्युनिकेशन में ऐसे ही अगर ऑर्गेनाइजेशन में, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में बैरियर है, ठीक है, तो गोल हमारे फेल हो जाएंगे। तो इनको दोबारा उठाने लिए करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन बैरियर को मिनिमाइज करो। मिनिमाइज कैसे करोगे? लोकल में जो लैंग्वेज सबसे ज़्यादा चल रही है, जिसको लोग समझ सकते हैं, उसी लैंग्वेज में आप अपना काम करो। ठीक है, उसी उसी लैंग्वेज में गवर्नमेंट से नेगोशिएट करो। ठीक है, यानी कि इस कम्युनिटी में दो पढ़े हुए हैं, दिल्ली से पढ़ के आ गए, इंग्लिश जानते हैं, तुमने इनको अपना लीडर बना दिया, ये जो बकवास कर रहे हैं, फिर इधर तुम्हें समझा भी नहीं पा रहे हैं ना। तो कम्युनिकेशन बैरियर कभी नहीं आना चाहिए। ठीक है, और लास्ट में क्या है, कम्युनिटी नीड्स प्रोफेशनल हेल्प। तो ये जो है ऐड किया हुआ प्रिंसिपल है हमारे जॉन्स महाराज ने। देखो क्यों है, इन्होंने बोला कि कम्युनिटी नीड ए प्रोफेशनल हेल्प। तो कम्युनिटी को हेल्प चाहिए प्रोफेशनल की, मतलब सोशल वर्कर की, वो तो हम कर ही रहे। तो ये सारे प्रिंसिपल टेढ़े मेढ़े जहाँ भी लिखे हैं ऑडियो सुन सुन के याद करो, इसकी अप्रोच बहुत काम आएगी। अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ ए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्कर। ठीक है, अब वर्कर का रोल क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का। ठीक है, तो इस रोल के लिए समझने के लिए हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उसी में हम रोल को डिस्क्राइब कर देंगे। तो मैट्रिक्स क्या होती है, वो मैट्रिक्स ये है कि अगर इसी में मैं खत्म कर देता हूँ, वो ये मैट्रिक्स है बहुत सरल। ठीक है, डायग्राम बनाना सीख ले लो, थोड़ा गलती हो गई डायग्राम में, लेकिन वहाँ पे एग्जाम में मत कर देना, अब हो गई तो हो गई। तो कलाकार टाइप के बच्चे हैं ना, उनको ज़्यादा अच्छे भी नंबर मिल जाते हैं कभी कभी सोशल वर्क में, वो इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि फटाफट डायग्राम बना देते हैं, आंसर राइटिंग अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो देखो जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर है, ठीक है, जैसे सोशल केस वर्क में सोशल केस वर्कर होता था, सोशल ग्रुप वर्कर होता था, ऐसे ही यहाँ पे भी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन वर्कर होता है। ठीक है, COW, काउ। तो जो COW होता है वो क्या करेगा यहाँ पे, ठीक है, तो जो उसके मेन मेन फंक्शन होते हैं, सबसे पहले वो काम करता है एज एन एक्सपर्ट। ठीक है, दूसरे हम उसमें लिखें कि वो कभी कभी काम कर देता है एज एन एडवोकेट, अभी मैं इनको डिस्क्राइब कराऊंगा। तीसरे में वो कैसे काम करता है, एज ए गाइड, एज एन इनेबलर और एज एन एक्टिविस्ट और एज ए सोशल थेरेपिस्ट। ठीक है, तो देखो वहां पे क्वेश्चन में आएगा कि रोल ऑफ ए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन वर्कर। ठीक है, अगर सब दे दे तो सब में थोड़ा थोड़ा लिख देना, लेकिन मुझे लगता है कि किसी दो या तीन को पूछता है। ठीक है, एक तो पूछता है इसको ए सोशल थेरेपिस्ट, एक एडवोकेट को, एज ए इनेबलर को। ठीक है, तो हम सारे पढ़ लेते हैं। देखो अब ध्यान से सुनना, पूरा कंसंट्रेट करो इस पे कि वो एज ए एक्सपर्ट कैसे काम करता है। एज ए एक्सपर्ट क्या करता है, वो कम्युनिटी को एडवाइस देता है। ठीक है, और क्या करता है, उनको इन्फॉर्म करता है कि भाई ये तुम्हारे राइट हैं, अगर एक हम कम्युनिटी में मिलकर काम करें तो हम ये राइटों को ले सकते हैं। तो मेन दो, अभी इस मैट्रिक्स में दो कीवर्ड आए हमारे, ये अभी जब एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आएंगी। अब एज ए एडवोकेट पहले मैट्रिक्स भर लेते हैं, एडवोकेट कैसे काम करता है, एडवोकेट का मतलब सोचो वकील। ठीक है, अब तुम्हारा वकील क्या करता है, केस लड़ता है, केस लड़ता है कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ठीक है ना, तो जज के आगे लड़ता है, तो यहाँ पे जज नहीं है, यहाँ पे क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके सामने जाना है हमें। ठीक है, और उसकी जैसे मान लो म्यूनसिपालिटी में चले गए कि भाई वहाँ पानी क्यों नहीं हो रहा, नाली साफ नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे वो एडवोकेट करता है, तो उसको अपनी क्या करेंगे कि वो डिफेंड करता है इंटरेस्ट किसके, सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के, तो एज ए डिफेंड करता है इंटरेस्ट। ठीक है,
ये कीवर्ड याद रखना, ये नहीं कि ये इसमें डाल दी, ठीक है। एज ए गाइड कैसे काम करता है वो, गाइड का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन देना हमें, तो वहाँ पे भी वो डायरेक्शन देता है कि चलो आज चलो दिल्ली चलो, ये चलो वो चलो, ठीक है। तो डिफरेंट डायरेक्शन देता है एज ए इनेबलर। एज इनेबलर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वो क्या करता है, कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब है कि आपकी जो क्षमताएं हैं, जो आप भूल चुके हो, आपको याद दिला के वो क्षमताएं दोबारा से आपके दिमाग में आ जाए, आप वो काम कर दो। तो कैपेसिटी बिल्डिंग का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हनुमान जी का, ठीक है। हनुमान जी को पता नहीं था कि उनके पास इतने रुपए की लंका तक जा सकते हैं, ठीक है। तो उनको याद दिला दिया था किसी ने, जामन दामन ने, तो कैपेसिटी बिल्डिंग हो गई। तो ऐसी इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, ठीक है। अब आए ऐसे एक्टिविस्ट कैसे काम करता है। ऐसे एक्टिविस्ट वो काम करता है कि लेजिटिमेसी टू नीड्स, क्या लेजिटिमेट नीड है, एज एक्टिविस्ट बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे एज एक्टिविस्ट में नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटेकर को याद रखो, तो वो उनको बताते कि ये लेजिटिमेट है, आपके ये खेत जा रहे हैं, ठीक है, वो पानी का ओवरफ्लो हो रहा है, तो ये सब नुकसान हो रहा है, आपको रिहेबिलिटेशन सही से नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो लेजिटिमेट नीड जो थे वो बताती है। अब ऐसे सोशल थेरेपिस्ट, तो एज ए सोशल थेरेपिस्ट क्या करता है, इन्हेंस करता है सोशल फंक्शनिंग, ठीक है। शुरू में हमने पढ़ा था कि सोशल वर्क का मेन फंक्शन होता है टू इन्हांस द सोशल फंक्शनिंग, ठीक है। मतलब जो मैंने बताया था, हेल्पिंग द हेल्पलेस टू हेल्प देम सेल्फ, तो उसका मतलब क्या हुआ, यही हुआ, ठीक है। तो ये हमारा पूरा मैट्रिक्स खत्म हो गई। अब मैं इनको एडवोकेट गाइड इनको एक एक करके लेता हूँ और पूरा आंसर बन जाएगा। इस आंसर को आप वैसे ही कट पेस्ट कर देना यहाँ से, ठीक है। इनेबलर जो क्या क्या काम करता है, फटाफट उसको लिखते जाओ। पहला इनेबलर काम करता है कि लोगों को अंडरस्टैंड कराता है, टू अंडरस्टैंड द नीड, क्या क्या नीड होती है इसके बारे में बताता है, ठीक है। नीड के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में और रिसोर्स के बारे में, ठीक है। एक एक आधा एग्जाम्पल डाल देना। और क्या करता है, ई अराउज द फोकस दिस कंटेंट विद द एग्जिस्टिंग सिचुएशन। तो जो डिसकंटेंट होता है, ठीक है, एग्जिस्टिंग सिचुएशन, इसको वो अराउज करता है, उस पर फोकस करता है। मतलब कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो जो डिसकंटेंट हो रहा है उसको पब्लिक में और बढ़ाएगा वो, कि ऐसा हो रहा है, तुम भी सुनो, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ठीक है। इस टाइप से लोग इकट्ठे हो और मिलके काम करें। फिर क्या करता है, वो असिस्ट करता है इन क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो सिंपल हो गया, ठीक है। और फिर क्या करता है, वो फॉस्टर कोऑपरेटिव, मतलब पुलिंग द रिसोर्सेज, ठीक है। तो कोऑपरेटिव के थ्रू वो फॉस्टर करेगा, ठीक है, कोलैबोरेटिव रिएक्शन करेगा, ठीक है। और क्या करेगा, प्रमोट करेगा कॉन्सेंसस, ठीक है, ऑन द नीड, ऑन द एरिया ऑफ एक्शन, कुछ भी लिख लो, ठीक है। तो ये चार पांच चीजें वो करता है, सिंपल सिंपल चीजें। किसी एक का एग्जाम्पल है ना, अगर बड़ा हो, नहीं तो एग्जाम्पल लोगे तो आंसर छूट जाएगा, ठीक है। इसमें जनरली एग्जाम्पल की जरूरत बहुत कम पड़ती है, नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो एज ए इनेबलर वो ऐसे काम करता है। अब हम आगे करेंगे कि एज ए गाइड कैसे काम करता है, तो इतने में गाइड निपट जाएगा। गाइड का मतलब सीधे क्या था, मैंने कहा डायरेक्शन देना, तो पहला तो सेम ही रही है, कम्युनिटी को डायरेक्शन देता है जिससे कि वो अपने ओन गोल को फटाफट अचीव कर लें, ठीक है। तो यही होता है गाइड में, और कुछ ज़्यादा नहीं होता। अब आया एडवोकेट में। एडवोकेट में वो क्या करता है, सबसे पहले एडवोकेसी करेगा, किसकी करेगा, अपने क्लाइंट की, और ऐसा क्लाइंट कौन है, ऑर्गेनाइजेशन की है, ठीक है, टू गवर्नमेंट ऑफिस, ठीक है, या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन लिख दो, सब हो जाएंगे, ठीक है। तो उनके पास जाएगा, भाई ऐसा ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, ये सब चीज़ें करेगा और उनके बेनिफिट और उनकी सर्विस की गुहाई लगाएगा। तो ऐसे एडवोकेट काम करेगा। एज ए एक्सपर्ट क्या काम करता है वो, एज ए एक्सपर्ट क्या होता है, एक्सपर्ट एडवाइस देगा कि ये करोगे, अगर इसमें ये केस होता तो यहाँ से हम बच सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की एडवाइस देगा। और क्या करेगा कि गाइड करेगा कि सोशल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन मिलेगा, तो उसमें देखो वो क्या क्या चीज़ें करेगा, यहाँ पे रिसर्च करेगा, डेटा रिसर्च करेगा, टेक्निकल असिस्टेंस देगा, ठीक है। और क्या करेगा, लिख सकते हो रिसर्च मटेरियल में हेल्प करेगा, ठीक है ना, क्योंकि कुछ एक डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा, तो इंस्टीट्यूशन के पास ले जाओगे तो वो सारी रिसर्च खुद करके दे देगा एक्सपर्ट, ठीक है।
अब आया सोशल थेरेपिस्ट, THERAPIST होता है। तो सोशल थेरेपिस्ट कैसे काम करता है, तो जो हमारे रॉस भाई साहब थे जिसका हम बार बार नाम लेते हैं इसमें, तो रॉस ने बोला एज ए सोशल थेरेपिस्ट वो ऐसे काम करता है कि जो अनकॉन्शियस, ठीक है, जो अनकॉन्शियस फोर्सेस हैं सोसाइटी के, नहीं ऑर्गेनाइजेशन के, अनकॉन्शियस का मतलब जिनको हम नहीं जान पाते, ठीक है ना, और ये हमारे दिमाग में रहते हैं लेकिन हम इन्हीं को नहीं पहचान पाते, अनकॉन्शियस माइंड में रहते हैं, अचेतन मन में रहते हैं, ठीक है। तो जो अनकॉन्शियस फोर्सेस हैं उस कम्युनिटी के, ठीक है ना, उनको बताता है, ठीक है, क्योंकि ये अनकॉन्शियस फोर्सेस होते हैं ना एक दिन आके यही थ्रेट बन जाते हैं, ठीक है, मतलब यही उनके लिए संकट बन जाते हैं एक टाइम पे, ठीक है। तो वो पहले ही अगर समझ जाए कि भाई तुम्हारा अनकॉन्शियस फोर्सेस ये हैं, मान लो अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या एग्जांपल दूँ, ये देखो ये कम्युनिटी है, ठीक है, अब इस कम्युनिटी में लोगों के पास है कि यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, और यहाँ पे कोई फैमिली प्लानिंग का ये मेजर नहीं कर रहे हैं, लेकिन सोशल एक्टिविटीज आप आए, आप क्वालिफाइड हो, ठीक है, मेंस लिख रहे हो। अब क्या है, आपको पता है कि इस कम्युनिटी की अगर पॉपुलेशन ऐसे बढ़ती रही तो वहाँ पे रिसोर्स कम हो जाएंगे, और फिर यहाँ पे क्या एक एक टाइम पे क्या होगा, पॉवर्टी भी बढ़ सकती है, ठीक है, हेल्थ इशू भी आ सकते हैं, दुनिया भर के एजुकेशन एजुकेशन भी नहीं हो सकती है, दुनिया भर के इशू आ सकते हैं, लेकिन आपको पता है, लेकिन इनको नहीं पता है, इनके कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है कि पॉपुलेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये जी रहे, अनकॉन्शियस जो फोर्सेस हैं जो इनको पता नहीं है लेकिन इसको पता है, ठीक है, इसके लिए वो कॉन्शियस है क्योंकि ये पढ़ा लिखा है, ये एक्सपर्टाइज है किसमें, ह्यूमन रिलेशन में। तो ये बताएगा भाई कि जो अनकॉन्शियस फोर्सेस हैं जो आगे चल के थ्रेट बनेंगे इस सोसाइटी का या इस ऑर्गेनाइजेशन का विनाश करने वाले हैं, तो उनको पहले बता दो, ठीक है। तो एज ए सोशल थेरेपिस्ट, थेरेपी मतलब कि किसी रोग का इलाज करना, तो जो ये रोग पैदा होने वाला है इसका पहले से इलाज कर देगा, प्रिकॉशन दे देगा उसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो एज ए सोशल थेरेपिस्ट रॉस ने बोला था ये अनकॉन्शियस फोर्सेस, ठीक है, तो इसको अंडरलाइन कर देना, चेक करने वाले को पता है कि अनकॉन्शियस फोर्सेस लिख दिया, रॉस का नाम लिख दिया, नंबर उठा दो। फिर उसके बाद हमारा लास्ट बचता है एज ए एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट काम कैसे करता है, मेधा पाटेकर को याद रखो, तो मेधा पाटेकर सोशल वर्कर नहीं है लेकिन एज एक्टिविस्ट एक गुण में है, तो वो तब हम पढ़ रहे हैं उनको, ठीक है। वहाँ पे मतलब ना एज ए सोशल वर्कर मेधा पाटेकर तुरंत काट देगा, इधर का भी काट देगा, मैंने पहली बता रखा है सोशल वर्कर की जो डेफिनेशन होती है उसमें एक डिग्री जो होना बहुत जरूरी होती है, MSW BSW करे बेचलर वाला, या MPhil करे या PhD करे, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं सोशल एक्टिविस्ट, नहीं तो किसको क्या बोलते हैं, सोशल रिफॉर्मर बोलेंगे उसको, सोशल एक्टिविस्ट बोलेंगे, सोशल रिफॉर्मर बोलेंगे, ठीक है, सोशल वर्कर नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो एक्टिविस्ट में कैसे काम करता है वो प्रोफेशनल वे में, ठीक है ना, थोड़े प्रोफेशनल वे में सोसाइटी को रिसर्च करके देगा, ठीक है, वर्क करके देगा, ठीक है, पॉजिटिव वे में, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिविटी, तो जो ऑब्जेक्टिविटी होगी ना उस पे वो लगा रहेगा, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, ठीक है, जिस टाइप की प्रॉब्लम होगी उस टाइप का ऑब्जेक्टिव होगा, उसका उद्देश्य होगा, और उसी में वो एक्टिविस्ट ऐसे काम करता रहेगा, तो सारा वो बैकग्राउंड रिसर्च करेगा, बाकी फिर तुम्हें तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा हमेशा, और तुम उसको अपना लीडर मानोगे और उसके पीछे पीछे नारे लगाओगे, तो वो एज एक्टिविस्ट पूरा काम कर देगा, ठीक है। तो रोल ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एजेंट COW, उसके कितने सारे रोल थे वो मैट्रिक्स बनानी है, ये पूरा छाप देना है, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन बच जाते हैं, ठीक है, तो वो क्वेश्चन लिखवा देता हूँ या तो बंद करता हूँ मैं, अभी मैं देखता हूँ अभी ये वीडियो कितने मिनट का हो गया, उस हिसाब से तो मैं करवाता हूँ, चलो मैं क्वेश्चन लिखवा ही देता हूँ। पहला क्वेश्चन जो बन सकता है इसमें बन सकता है डिफाइन ठीक है द कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन CO एंड डिस्कस इट्स प्रिंसिपल, तो अभी हमने जो प्रिंसिपल करे और पहले डेफिनेशन बता देना, ठीक है, रॉस को हमेशा साथ रखना, काम बन जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन जो बन सकता है ये बन सकता है डिस्कस द रोल ऑफ कम्युनिटी वर्कर, जो भी हमने मैट्रिक्स पढ़ी वही इन, देखो अब अर्बन स्लम आ गया, ठीक है, यही मेरे को फंटास्टिक क्वेश्चन लगते हैं इस टाइप के, वही मैट्रिक्स बनानी है, लेकिन अब क्या है प्रॉब्लम हमारी सारी अर्बन स्लम में होंगी, ठीक है, एज एडवोकेट करेगा, ठीक है, एज ए इनेबलर करेगा, प्रॉब्लम यहाँ पे थेरेपिस्ट में क्या दिखाएगा कि जो अनकॉन्शियस मतलब कि अगर यहाँ पे स्लम में, ठीक है ना, अगर ठीक से मैनेजमेंट नहीं हुआ तो यहाँ पे क्या हो सकता है स्लम में, देखो स्लम में चोर भी बन सकते हैं, ड्रग्स वाले लोग भी बन सकते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, ठीक है,
और क्या बन सकते हैं, माफिया भी बन सकते हैं, मर्डरर भी बन सकते हैं, तो ये अनकॉन्शियस चीजों को पहले दिखा देगा। ठीक है, एज ए एडवोकेसी कैसे करेगा उनकी, सरकार के बजाय कि स्लम को है, जो ये स्लम जो है इसको क्या करो, रिकॉग्नाइज करो या इनको रिहेबिलिटेट करो, कर रहा ना एडवोकेसी, वकील भी तो ये करता है, समझ रहा है ना। ठीक है, और एक्टिविस्ट तो उनके साथ खड़ा रहेगा, इनेबलर का मतलब क्यों मैंने बताया था वो भी, तो सारा एग्जाम्पल स्लम में ही फिट करना है, अपनी तरफ से नहीं लिखना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वहां पे, स्लम की जगह मान लो वो कर देगा डिस्कस द रोल ऑफ कम्युनिटी वर्कर और ऑर्गेनाइजेशन, नहीं कम्युनिटी वर्क, कम्युनिटी वर्कर, ठीक है, इन अर्बन स्लम की जगह मान लो लिख दिया रेड लाइट एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, या वो कुछ भी कर सकता है, स्लम हो गया, रेड लाइट एरिया हो गया, अनऑथोराइज कॉलोनीज हो गया, ठीक है ना। और आजकल तो देखो बहुत चल रहा है, जब न्यूक्लियर न्यूक्लियर वाली चीज चल रही है ना, जैसे कि जैतापुर में हो रहा है कि वो विरोध कर रहा है न्यूक्लियर का, तो इस टाइप की चीजें कुछ भी करंट की वो डाल देगा, क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा मैट्रिक से याद है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि डिस्कस किसी एक चीज को उठा दिया, जो द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एडवोकेसी। ठीक है, तो सोशल एडवोकेसी उसमें दुनिया भर का तुम्हें बोल बचन लिखना है, एडवोकेट नहीं एडवोकेसी है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें कि तीन अप्रोच हैं, एक है सर्वोदय अप्रोच ऑफ सोशल एक्शन। देखो अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है इसलिए लिखवा दे रहा हूँ, ये मैंने बाद में कराने, याद दिला देना। ठीक है, और क्या हो सकता है, इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च डिजाइन। ठीक है, और ये सारी इम्पोर्टेंस किस में दिखानी है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया, देखो हमने रिसर्च नहीं पढ़ा है, अभी सर्वोदय अप्रोच नहीं पढ़ी, क्योंकि सोशल एक्शन अलग यूनिट है, सेवन्थ यूनिट। ठीक है, जब मैं वो पढ़ूंगा पढ़ाऊंगा तुम्हें, ठीक है ना, तो जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तो उसके बाद मैं उसको लिंक करा दूंगा कि उसका यूज़ कैसे होता है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन वो इसी यूनिट का था तो मैं करा दूंगा, नहीं तो भूल भी गया तो याद दिला देना। ठीक है, और देखो इसमें एक क्वेश्चन इस तरह का बनता है, पीपुल्स मूवमेंट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाई पीपल मूवमेंट, हाउ इट कैन हेल्प इन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मैं कब कराऊंगा, जब पीपल मूवमेंट सोशल एक्शन में कराऊंगा तो फिर इसको लिंक कराऊंगा। तो अब इंटरलिंकिंग स्टार्ट हो गई, कहीं से भी कहीं लिंकिंग हो जाती है। ठीक है, वह फिर सोशल एक्शन, ये तो बहुत बार पूछा भी है कि सोशल एक्शन का कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में कैसा होगा। ठीक है, तो हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन में से अगर मैं इन दोनों क्वेश्चन को छोड़ दूँ, कौन से वाले को, जहाँ से मैंने सर्वोदय स्टार्ट करा, ये तीन समझ रहे हो, इससे डीप इसमें नहीं जाते वो। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बन जाता है, इसकी अप्रोच में जाते हैं तो ये अगली यूनिट में हो जाएगी। तो 4.1 पे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट में ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, वो वेलकम होंगे, वो आप पूछोगे उसके आंसर मैं दूंगा। ठीक है ना, लेकिन जो बेसिक जितनी नॉलेज लेनी थी वो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की ख़त्म हो गई है 4.1 में। अब जो नई सीरीज स्टार्ट होगी वो होगा सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, ये होगी 5.0। ठीक है, पावेड के जो बच्चे उनको अब मज़ा आएगा, पूरा पावेड आता है इसमें। ठीक है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले। गुड नाइट।